हेलो, अभी हम लोग राघवा हाउस में जा रहे हैं जहाँ पे कि आज हमारा हैदराबाद का लास्ट डे शूटिंग चल रहा है और हम लोग आज बट सवित्री का सीन शूट कर रहे हैं। देखिए आज पूरी तैयारी हुई है यहाँ पे, देख रहे हैं आप लोग पूरी तैयारी चल रही है यहाँ पे, देख रहे हैं आप लोग ना पूरा घर एकदम राघवा हाउस सजा हुआ है और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पूरी तैयारी हो गई है। ये देखिए, देख रहे हैं आप पूरी डेकोरेशन की तैयारी है हमारी, सब लोग बैठे हैं, सब अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, देख रहे हैं कैमरा फिटअप रेडी है। और बेसिकली मैं बता दूं कि आज हैदराबाद का हमारा लास्ट डे शेड्यूल है, यानी कि लास्ट डे शूटिंग कर रहे हो, लास्ट डे का लास्ट सीन शूट कर रहे हैं हम लोग तो। बट हमारी टीम जो है वो मॉर्निंग से काम कर रहे हैं, लेकिन देखो ना अभी आपके अंदर स्पार्क वही दिखेगा, सब लोग वही काम कर रहे हैं जैसे मॉर्निंग का पहला सीन शूट कर रहे हैं आप लोग। और ये देखिए पूरी तैयारी चल चुकी है, ये देख रहे हैं आप लोग, अभी कुछ तैयारी यहाँ पे चल भी रही है क्योंकि ये लास्ट सीन और हैदराबाद का लास्ट शूट हो रहा है। तो देखिए पंकज जी हैं, साउंड डिपार्टमेंट से हैं भाई। इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको मेरी पूरी टीम से मिलवा दिया, जीतू जी, अमरीश जी, सुरेश जी, पंकज जी, इनको आप पहचानते होंगे, ये लाखन, ये बेसिकली ये लाखन जी हैं, ये आप मेरे हर वीडियो में आपको मिलते ही होंगे। अभी देखिए ये विनोद जी हैं, ये टेक्नीशियन टीम से हैं, इनके पास इन्होंने ये जब से हम लोग हैदराबाद के शेड्यूल में आया है तब से विनोद जी ने पूरे हैदराबाद के शेड्यूल को एकदम ईजी करके रखा क्योंकि ये लाइटिंग बहुत फास्ट करते हैं बेसिकली। और मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ कि हमारे शो में जो हमारे साउंड डिजाइनर हैं, बेसिकली आप लोग को सीन में दिखता होगा कि जो भी सीन आप देखते होंगे कितना अच्छा आवाज आता है, लेकिन उसके लिए कितनी मेहनत लगती है वो आपको मैं मिलवाना चाहता हूँ। ये देखिए हमारे साउंड इंजीनियर राजू जी हैं, ये देख रहे हैं आप लोग राजू जी से। राजू जी बेसिकली हमारे साथ दूसरा या तीसरा शो कर रहे हैं, इसके पहले कहां हम कहां तुम जो हमारा शो था उसमें भी राजू जी थे। और आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि ये जो हमारा सीन होता है बेसिकली वो सीन को शूट करने में हमको जो टाइम लगता है उसमें क्या होता है कि सबका योगदान होता है, हर डिपार्टमेंट अपना टाइम लेता है क्योंकि सबको लगता है कि मेरा काम अच्छा हो। तो उस डिपार्टमेंट में राजू जी जो हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि मैं आपको आज बता दूं, जैसे अभी हम लोग सेट पे शूटिंग करते हैं तो हम लोग हर चीज़ कंट्रोल में करके रखते हैं कि कोई आवाज़ ना करे, कोई चिल्लम चिल्ली ना करे, मतलब सब एकदम शांत रहे क्योंकि सीन अच्छा शूट हो। लेकिन मैं बताऊं आपको कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग आउटडोर में शूट करने जाते हैं, रोड पे सीन शूट कर रहे हैं, रोड का सीक्वेंस शूट करना है, और वहाँ पे हम क्या होता है कि सबको तो मना नहीं कर सकते कि भैया आप मत आवाज़ करो या आप मत चिल्लाओ या आप रुक जाओ प्लीज़। तो वहाँ पे क्या होता है कि राजू जी जो है ना, राजू जी का जो काम है कि अभी राजू जी को एक ट्रैफिक में इनको सीन शूट करना है हमको और इनको फिर साउंड अच्छा देना है। तो राजू जी सर्वप्रथम मैं आपको बस मेरे चैनल के माध्यम से कुछ मेरे जितने भी लोग देखने वाले हैं मैं आपसे एक या दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ राजू जी। सो बेसिकली राजू जी मुझे आप बताइए कि सर आप जैसे ये शो कर रहे हो मेहंदी रचने वाला, मेहंदी है रचने वाली जो हमारा शो है सर स्टार प्लस पे, आपको क्या फील हुआ ये शो करके? मतलब आप, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है राजू जी कि आप बहुत शो करते हो सर, लेकिन मेहंदी है रचने वाले शो करने में आपको कैसा क्या फील होता है, मतलब क्या आपको आनंद आता है, मजा आता है, क्या फील होता है प्लीज बताइए मुझे। शो करने में मेरे को इतना मतलब अच्छा लगता है क्योंकि एक तो यूनिट बहुत अच्छी है, ओके, हाँ, उसमें मतलब जितने भी टेक्नीशियन है कैमरामैन से लेके प्रोडक्शन से लेके हर डिपार्टमेंट मतलब एक दूसरे का फेवर में काम मदद करते हैं, मतलब एक दूसरे का मदद करेंगे, गेट टुगेदर कुछ भी अगर कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हुआ, हाँ चलो ये नेक्स्ट नेक्स्ट चलो, हाँ ओके ओके राजू जी। एंड सेकंड थिंग मैं पूछ रहा हूँ राजू जी, जैसे आप अभी सीन शूट करते हो तो कभी कभी क्या होता है कि दो आर्टिस्टों का सीन होता है, वो करने में आपको कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ा सीन है 20 आर्टिस्ट लगे हुए हैं, तो दो आर्टिस्टों का सीन करने में और 20 आर्टिस्टों का सीन करने में आपको कुछ प्रॉब्लम होती है राजू जी? नहीं बिल्कुल नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कि जैसे भी दो आर्टिस्ट हैं तो आपको दिख रहा है कि चलो दो आर्टिस्ट हैं और 20 आर्टिस्ट हैं तो कौन डायलॉग कब बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, क्योंकि आपका एक बार अगर टेक हो गया राजू जी, जैसा मेरे को लगता है कि एक बार टेक हो गया तो वो वन मोर होता नहीं, फिर कैसे आप उसको मैनेज करते हो? स्क्रिप्ट ले लेते हैं हम लोग। अच्छा आपके पास ही बेसिकली स्क्रिप्ट होती है, ओके। और मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं राजू जी, क्या होता है कि जैसे अभी आप लोग हैदराबाद शूट करने आए थे आई थिंक मार्च एंड में आप या अप्रैल स्टार्ट में आए थे राजू जी, और अभी आज आपका हैदराबाद का लास्ट सीन शूट हो रहा है, यानी लास्ट डे शेड्यूल का लास्ट सीन शूट कर रहे हो आप, तो मुझे आप बताइए कि ये जो आपने एक से दो महीना हैदराबाद में थे आप, तो कैसा क्या आपको कुछ मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई या कुछ सब अच्छा गया या कैसा कुछ आप बताएंगे मुझे हैदराबाद के बारे में प्लीज? हैदराबाद के बारे में तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ कभी कुछ, मतलब हर चीज़ टाइम टू टाइम हम लोग को मिला है और शूट वाइज भी हम लोग ने बहुत अच्छे से शूट किया है, ओके, एवरीथिंग इज गुड। ओके राजू जी, तो मैं जैसे आपको बताया कि मैं राजू जी जो हमारे हैं साउंड इंजीनियर वो इंडस्ट्री के माने जाने इंजीनियर हैं और हमारे साथ इन्होंने दो से तीन चार शो कर लिया है
और मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली साउंड राजू जी मैं कुछ इसे बस पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी ये मशीन मेरे को दिख रही है, आई थिंक आई डोंट नो क्या नाम है सर इस मशीन का, मुझे मशीन का 664 रिकॉर्डर है 664। सो बेसिकली इसका काम ये है कि जो भी आर्टिस्ट रहेगा उसका हर चीज आप मैनेज करते हो। तो राजू जी मैं ऐसे बस पूछना चाहता हूँ कि आपने जब शुरुआत किया था तब की टेक्निक और आज की टेक्निक में आपको कुछ ऐसा डिफरेंट दिखा? बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट दिखा आपको मतलब, तो पहले इजी था कि आज इजी है? मतलब दोनों टाइम के हिसाब से बराबर है। ओके तो ये भी अभी ठीक है, कंफर्टेबल है। सो ये रहा मेरा राजू जी से मुलाकात आपकी, और मैं अभी चलता हूँ सेट पे जहाँ पे हमारी मैं आपको बता दूँ कि शो की जो पल्लवी की मदर का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं शारदा जी यानी कि अस्मिता जी, वो अभी सेट पे आ चुकी हैं और मैं शारदा जी से आपको मिलवाता हूँ, क्योंकि अभी शारदा जी मैं आपको दिखा दूँ। देखिए शारदा जी हमारी सेट पे आ चुकी हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ शारदा जी ये सेट की क्या है, आप क्या बोल सकते हो कि रौनक बोल सकते हो? शारदा जी जब सेट पे आती हैं तो क्या होता है कि पूरे सेट पे एक रौनक आ जाता है, क्योंकि शारदा जी कैसी हैं कि हम लोग शूटिंग तो करते हैं शारदा जी के साथ, लेकिन कभी हमको फील नहीं हुआ कि हम लोग सब बाहर से लोग मिले हैं, इसी शो में मिले हैं, हमने एक फैमिली की तरह शो बना दिया है। शारदा जी बेसिकली मैं मेरे चैनल के माध्यम से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सो सॉरी फैमिली ही है। तो शारदा जी मुझे आप बताइए बेसिकली कैसा है कि अभी आप लोग कोल्हापुर में आपका सेट लगा है और अभी आप शूटिंग कर रहे हो हैदराबाद में, और जैसा आज हैदराबाद का आपका लास्ट शेड्यूल का लास्ट ही शूट हो रहा है, तो आपका हैदराबाद का जो शेड्यूल था कैसा रहा है? हैदराबाद का शेड्यूल भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमारी फैमिली हमारे साथ थी, जो आप लोग सभी लोग हो, और इसके लिए जैसे हम लोग मैका और ससुराल बोलते हैं उस टाइप का कुछ फीलिंग था। कोल्हापुर हमारा मैका है और हम लोग ससुराल में आ गए हैं, तो ससुराल में भी उतने ही मजे किए जो कि आपने स्क्रीन पे भी देखे, तो बहुत मजा आया आपके साथ काम करके, जैसे हमेशा आता है। ओके शारदा जी, बट मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अभी आज आप लोग शूटिंग करके कल आप फिर कोल्हापुर जाने वाले हो, तो मुझे बताइए कि आपको क्या कोल्हापुर जाने में वही खुशी है कि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी मैं हैदराबाद में शूटिंग करूँ? नहीं, कोल्हापुर जाने में तो बहुत खुशी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो हमारा मैका है। और मैके में जाके किसको खुशी नहीं होती थी? लेकिन मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि आपके लिए वो मैका है तो किसी के लिए वो ससुराल भी तो होगा ना मैम? हाँ जी, तो जिसके लिए ससुराल है उसी के लिए भी आनंद ही होगा, क्योंकि हम लोग तो है ही ना वहाँ, फैमिली है ही वहाँ। हमें यहाँ इसलिए मजा आया क्योंकि हम सब, मतलब आप है या हमारी पूरी टीम है जो यहाँ फैमिली की तरह रहती है, तो ये है इसीलिए तो हमें तो मजा आया। करेक्ट करेक्ट मैम। ओके थैंक यू मैम। तो बेसिकली अभी आपको मैं मिलवाया शारदा जी से, और अभी मैं चल रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको राघव जी से और पल्लवी जी से मिलवाना चाहता हूँ, जो कि अभी तैयारी जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ कि अभी वो लोग मेकअप कर रहे थे पल्लवी जी, क्योंकि पल्लवी जी का मैंने आपको बता दिया कि नौवारी साड़ी का लुक है जो कि ब्राइडल लुक है, और मैं अभी आपको मिलवाना चाहता हूँ मेरे शो में। जो सबसे मैंने जैसे बताया था आपको कि जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है पूरे शो का, यानी कि जो शो एक आप लोग देखते हो, एक शो इतना सुंदर दिखता है आपको, लेकिन वो शो सुंदर दिखाने में जो सबसे अहम भूमिका जिसकी होती है वो है मेरी कैमरा टीम। तो मैं आपको सिर्फ बेसिकली बता दूं, ये है कमल जी। कमल जी मैं हम लोग के पिछले शो यानी कि कहां हम कहां तुम, जो हमारा इसी कंपनी का शो था और स्टार प्लस का ही शो था, उसमें भी थे और इस शो में कमल जी हैं। कमल जी मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बेसिकली कि सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, देखिए अभी साईं जी आ गए हमारे सेट पे, इस टाइम साईं जी रेडी होकर के, और साईं जी ये मेकिंग साईं जी अभी सेट पे आ गए हैं रेडी होकर के। तो साईं जी आपको पता ही है आई थिंक कि आज हमारा हैदराबाद के लास्ट शेड्यूल का लास्ट ही शूट कर रहे हैं हम लोग, तो मुझे आप बताइए प्लीज कि वो कैसा फील हो रहा है आपकी, अभी आप कोल्हापुर जाके शूटिंग करोगे? मुझे, मैं एक्चुअली बहुत हैप्पी हूँ कि हम लोग इतने दिन हम लोग हैदराबाद में शूट कर रहे थे, और कहीं ना कहीं मुझे मतलब फील भी हो रहा है कि मैं अपने घर से, मैं अपने होम टाउन से वापस में जा रहा हूँ, बट एट द सेम एंड मैं एक्चुअली बहुत खुश भी हूँ कि मैं कोल्हापुर को जा रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ आरआर मैंशन में जाके शूट करूँगा, मेरे घर में राघव राव हाउस में जाके शूट करूँगा, तो मैं बहुत खुश भी हूँ मैं। नहीं साई जी, जैसा मैं जानता हूँ कि आप अभी राघव राव हाउस में जाके खुश हो, लेकिन मुझे जैसा पता चला है कि हैदराबाद में आपका खुद का घर, यानी आप क्या बोलते हैं उसको, होम टाउन बोल सकते हो, तो साई जी अपना होम टाउन छोड़ के अगर आपको राघव राव में जाना है तो क्या आपको फील हो रहा है सर? मुझे मैं बहुत हैप्पी हूं, बिकॉज़ आई एम सो मच इन लव विद राघव राव, मतलब जो राघव राव का हाउस है फीलिंग आता है वो मेरा ही घर है। अच्छा, इतना फीलिंग आता है, इतना वो इमोशनल टच है। ओके सर, ओके। सो अभी मैं जस्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपका हैदराबाद का ये दो महीने का टाइमिंग था वो कैसा लगा आपको सर? बहुत अच्छा लगा, ऑफ कोर्स काफी हेक्टिक था,
अच्छा मतलब आप दो महीने से यहाँ पे और दो बार ही घर पे जाते हो? दो बार ही गया और मैं अपनी मम्मी को सिर्फ 10 मिनट या 5 मिनट ऐसा मिलूंगा बस उतने। ओके साईं, थैंक यू सर। तो मैं अभी आपको मिलवाना चाहता था, जैसा मैं मिलवाने वाला था आपको, कि हमारे कमल जी से। तो कमल जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे सर, कि अभी ये शो इतना सुंदर दिखा रहे हो आप, तो मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि आप जैसे जब सुबह घर से आप आते हो तभी से सोच के आते हो कि मैं ऐसे करने वाला हूँ, कि जब आपको डायरेक्टर, जैसे अभी शुक्ला जी मेरे डायरेक्टर हैं यहाँ पे, तो शुक्ला जी आपको बताते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, कि तब आप करते हो, कि आप क्या प्लानिंग करके आते हो सर? शुक्ला जी बताते तब करते। ओके, मतलब आपको सीन बताया गया कि ऐसा सीन शूट करना है, उसके बाद आप प्लानिंग करते हो कि डे नाइट, नाइट या डे, जैसा सीन शूट होता है। तो कमल जी, मैं एक चीज पूछ रहा था कि जैसा भी आप लोग हैदराबाद में शूटिंग कर रहे हो, और इसके पहले आपका जो सेट है वो है कोल्हापुर में राघव राव एंड देशमुख, तो आप अगर एज अ कैमरामैन, आपको वहां पे लाइटिंग क्या होता है, कि अब आपका तो लाइटिंग का जो क्या बोलते हैं पैशन है, वो वहां पे आपको आता था कि यहाँ पे आपको, कि अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ राघव राव में? ओके सर, चलो हो गया, रेडी, बुला लो। तो अभी देखिए, कमल जी से मैं मिलवा दिया शुक्ला जी से, यहाँ पे शुक्ला जी शूटिंग कर रहे हैं आज का, और मैं अभी आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जो जिनको मैं बोलना चाहता हूँ कि आज मैं 2021 में मैं शूटिंग कर रहा हूँ इस फिल्म इंडस्ट्री में, तो जिसका सबसे बड़ा श्रेय है, मैं उनसे आपको मिलवाने जा रहा हूँ, वो है गीता जी। तो गीता जी की कहानी मैं बता दूं कि मैं 2006 में गीता जी मेरे होम टाउन, यानी कि मैं भदोही से, जहां से जो मेरा चैनल नेम है, ये मैं सबके लिए बता रहा हूं कि गीता जी को देख के मेरे अंदर इंडस्ट्री में आने का एक, क्या बोल सकते हो आप, आई डोंट नो, चस्का, शौक, पता नहीं मेरे को, वो हुआ है कि गीता जी मेरे होम टाउन, मेरे गाँव में शूटिंग करने गई थी, और वो मेरा, मैं 10वीं या 11वीं कक्षा मेरी पढ़ाई थी, तो मैं घर से निकलता था सुबह 6:30 बजे की, मम्मी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं जाके पूरा 12 घंटे इनकी शूटिंग देखता था, लेकिन मैं इनको दो बार ही देख पाया हूँ। तो ये वही गीता जी हैं, जब मैं इनको पहली बार कॉल टाइम दिया, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि 2006 में जिसकी शूटिंग मैं देखता था, और आज मैं उसके साथ शूटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं जिसकी शूटिंग देखने जाता था, आज उसके साथ शूटिंग कर रहा हूँ। सो गीता जी, फिर उनसे मैं उनको कॉल टाइम दे रहा हूँ। तो कैसा है, मैं आपको बता दूं कि गीता जी को जब मैं देखा कि गीता जी मेरे शो में आई हैं, गीता जी के साथ मैं शूटिंग कर रहा हूं, और गीता जी मेरे साथ काम कर रही हैं, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे अंदर मेरे को कितनी खुशी हुई थी कि जिसकी शूटिंग देख करके मैं शूटिंग लाइन में आया। बेसिकली मैंने टिकोना ब्रॉडबैंड कनेक्शन में जॉब किया, मैंने हार्डवेयर नेटवर्किंग कंप्लीट किया,